Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सत्वी चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस आगरा पर। तो दोस्तों, हमने कल क्यूब पढ़ा था, आज क्यूब घन की दूसरी क्लास है। कल हमने एक ही क्यूब, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। एक ही क्यूब से काटने के बाद कौन कौन से घन बनाए जा सकते हैं, किस तरीके के घन बनाए जा सकते हैं, वो हमने कल पढ़े थे। आज क्यूब की अगली क्लास रहेगी, जिसमें हम जो घन वाले बहुत सारे अलग अलग विभिन्न टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, आज उनको देखेंगे। आज आप पूरी वीडियो देखना, यकीन मानना सारे क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से समझ आएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर है। आज जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं कि विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो कैसे कैसे आपको पूछे जा सकते हैं। और मैं दोस्तों वही ज़्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। तो देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है, एक रंगे हुए घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यदि आठ रंगहीन घन हो तो कुल घनों की संख्या बताइए। तो देखो, उसने हमें दिया है कि आठ रंगहीन घनों में काटा जाता है, तो उसने हमें कुल घनों की संख्या पूछी है कि कुल घन। तो देखो, इसको जो है हम फॉर्मूले से ही कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो देखो उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें आठ रंगहीन घन दिए हैं। तो रंगहीन घन कितने दिए हैं दोस्तों, देखो रंगहीन घन दिए हैं उसने आठ। और रंगहीन घन का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको कल बता चुका हूं, वो होता है n माइनस टू का होल क्यू बराबर, ये किसके हो गया, आठ के हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, दो का क्यू ऐसे भी लिख सकता हूं, ये यहां से ये क्यू से क्यू हटक जाएगा। तो n माइनस टू बराबर कितना आ गया, दो। तो n बराबर मैं इसको लिख सकता हूं चार, दो इधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई कितनी, चार। अगर मुझ पे n की वैल्यू आ गई तो घन में वो मुझे कुछ भी पूछे मैं बहुत आसानी से बता दूंगा, क्योंकि हर फॉर्मूले में n का मान बताना होता है। हम उसके बाद चाहे वो दो सतह रंगे घन, एक सतह रंगे घन, कुल घन, कटाई की संख्या, कुछ भी पूछे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो हमारे पास n का मान आ गया चार। अब हमें पूछे हैं उसने भाई के कुल घनों की संख्या बताओ, कुल घनों की संख्या पूछी है। तो कुल घनों की संख्या के लिए मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला, कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला जो होता है वो रहता है दोस्तों एन की क्यू। तो एन कितना आ गया है, एन भाई मेरे पास चार आ गया है। अगर मैं चार का क्यू कर दूं तो कुल घनों की संख्या आ जाएगी, चार चक 16 चौका 64, 64 आ गए भाई, इससे 64 घन बनाए जा सकते हैं। तो कुल घनों की संख्या होगी वो कितना आ गया, 64 आ गया। आपको इतना बड़ा लैंग्वेज ऐसे समझा के, ऐसे डिजाइन करके नहीं रखना है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, मुझे आपको ये चीज़ें समझ आनी है, इसलिए मैंने इतना बड़ा सजा सजा के लिखा है। आपको तो क्वेश्चन में ही वो देगा भाई, यहीं पे कर देना है कि भाई n माइनस टू का होल क्यू बराबर आठ होता है, आठ मतलब दो का क्यू, यहां से ये कट गया, n बराबर चार आ गया, और चार का क्यू कर दूंगा मैं 64 आ गया, ऐसे करके ऑप्शन लगा देना यहीं पे। लेकिन मैंने आपको समझाया इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बाकी आपको दो स्टेप में यहीं पर खत्म कर देना पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। देखो, इसमें जो भी कुछ दे आपको, इस जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में जो भी कुछ दे आपको, फॉर्मूले के सामने रख देना, और हमें जो करना है सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है, हमें कैसे भी करके n का मान निकालना है, और n का मान हमारे पास आ जाएगा तो बस क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल एकदम आपके समझ आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करें, फिर मैं आपको बताऊंगा, एक बार करने का प्रयास करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें। देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एक 14 सेंटीमीटर के घन को
घन को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर उसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घन ऐसे होंगे जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हो? और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कम से कम 1 सतह रंगी हो। देखो वही बात आ गई जो मैंने कल आपको एक बार समझाई थी, कम से कम। मैं आपसे कहूं कि भाई आपको 4 रोटी दे दी और मैंने कहा कि भैया इसमें से 2 तो आपको कम से कम खानी है, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको भूख लग रही है तो 4 खा जाएं, लेकिन 2 तो कम से कम खानी है। तो ऐसे ही करके उसने ए वाला जो क्वेश्चन दिया है उसने कहा है भाई कम से कम 2 सतह रंगी हो। तो कम से कम 2 सतह के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 2 सतह। तो 2 सतह के लिए जो है, 2 सतह कम से कम 2 सतह के लिए हम क्या करेंगे कि भाई कम से कम 2 सतह रंगी हो, उसके बाद ज्यादा भी रंगी हो सकती है। तो इसमें जो हम लेंगे तो कम से कम 2 सतह में, एक तो जो हम लेंगे 2 सतह रंगे घन लेंगे, एक तो जो हम लेंगे 2 सतह घन लेंगे और 3 सतह रंगे हुए घन भी लेंगे। तो इसमें दोनों तरीके के घन लिए जाएंगे आपसे, इसमें जो है एक तो जो है 2 सतह रंगे घन लिए जाएंगे, 2 सतह रंगे घन, और जो है इसमें प्लस लिए जाएंगे 3 सतह रंगे घन, सतह रंगे घन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कम से कम, तो 2 सतह वाले घन लेंगे और 3 सतह वाले में कम से कम 2 सतह तो रंगी हुई होंगी। तो देखो इसके लिए हमारे पास 2 सतह रंगे हुए घन के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2, ये वाला फॉर्मूला होता है। और 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा 8 होते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो देखो 12, अब मुझे n का मान लेना, n मैं कहां से निकाल सकता हूं, n के लिए n निकालते हैं भाई दोस्तों, n बराबर होता है, कल मैं बता चुका हूं, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। मैं आपको कल वाली क्लास में एन निकालना बता चुका हूं। तो बड़े घन की भुजा क्या है दोस्तों, यहां पर 14 दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा क्या है, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कितना आ गया, एन बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो एन का मान मैं कितना लूंगा दोस्तों, 7 लूंगा। तो देखो 7-2 तो 12 गुणा कितना हो गया, 5 हो गया। तो 12 × 60 ये हो गए, 8 ये वाले तो कितने हो गए, 68 हो गए। कितना आंसर आ गया हमारा, 68 आंसर आ गया भाई ए वाले क्वेश्चन का। उसने कहा है कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। तो देखो कम से कम, अब मैं 3 सतह वाला लिया तो 3 सतह में कम से कम 2 तो रंगी हुई है ना, तो तीसरी भी रंगी हुई है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 है। इस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है कि कम से कम कहे, ज्यादा से ज्यादा कहे, अधिक से अधिक कहे, तो इस लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना आपको दोस्तों। तो यहां पे उसने कम से कम कहा है कि कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, तो 2 सतह वाले ले लिए और 3 सतह वाले ले लिए, इस चीज का ध्यान रखें। तो 3 सतह वाले में कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया 68, हमारा आंसर कितना आ गया, 68 आ गया। अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करूं, अब मैं बी वाला क्वेश्चन करूं, बी वाले में क्या कह रहा है, कम से कम 1 सतह रंगी हो। इसमें क्या कहा है भैया कि कम से कम भाई 1 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। तो 1 सतह में हम कौन कौन से घन लेंगे, 1 सतह वाला भी लेंगे, 2 सतह वाला भी लेंगे, क्योंकि 2 सतह वाले में कम से कम 1 तो रंगी हुई होगी, और 3 सतह रंगे हुए घन भी लेंगे, क्योंकि 3 सतह वाले घन में भी 1 सतह रंगी हुई होगी, तो इसमें हम तीनों लेंगे। तो इसने कहा है कम से कम 1 सतह रंगी हुई हो, कम से कम 1 सतह रंगी हो। तो इसमें हम लेंगे भाई, इसमें जो है 1 सतह रंगे घन भी लेंगे, रंगे घन प्लस लेंगे भाई 2 सतह रंगे घन, रंगे घन प्लस लेंगे भाई 3 सतह रंगे घन, 3 सतह रंगे घन, ऐसे करके। अब 1 सतह रंगे घन क्या होते हैं, 1 सतह रंगे घन, 1 सतह रंगे घन होते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर, और 2 सतह रंगे घन होते हैं 12n-2, और 3 सतह रंगे घन ये हमेशा 8 होते हैं, मैं कल की क्लास में आपको बार बार बता चुका हूं। तो देखो 6 हो गया, n का मान कितना आ गया, 7, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, 5 का मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, प्लस 12 मल्टीप्लाई 5, 7 में से 2 गया तो 5 बचा,
प्लस यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। तो देखो 6 गुणा 25 कर देंगे प्लस 12 अपन 60 प्लस यहाँ पे 8 कर देंगे, 25 छक्के 150 होते हैं प्लस 60 प्लस 8, इसको ऐड कर दो भाई, 8 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 8 आ गया, 6 और 5 11 हासिल के, 1 और 1 2 तो कितने हो गए 218, कितना हो गया भाई 218, 218 ऐसे घन होंगे जिनकी जो है कम से कम एक सतह क्या होगी रंगी हुई होगी, 218 ऐसे घन होंगे जिसकी कम से कम क्या होगी दोस्तों एक सतह क्या होगी रंगी हुई होगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि कम से कम कह रहा है तो उसका क्या मतलब है, कम से कम एक का या कम से कम दो का या अधिक से अधिक का, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कहोगे सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, मैंने भाई आपको ये समझाया है, एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन कराए उसमें भी मैंने आपको पूरी लैंग्वेज लिख के समझाया है, आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी करना है, अगर आपकी चीजें क्लियर है आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कर पाओगे। तो ऐसे करके उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब तीसरा क्वेश्चन भाई करने का प्रयास करें, तीसरे क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करें, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, एक बार प्रयास करें आप लोग करने का भाई, सभी लोग करें फिर मैं आपको बताता हूं। देखो उसने क्या कहा है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसने कहा है कि एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, कितने घन होंगे जिसकी अधिकतम ऑलमोस्ट एक सतह रंगी हुई हो और अधिकतम 2 सतह रंगी हुई हो। तो देखो अधिकतम, अब मैं आपको देखो मैंने आपको बताया कम से कम और अधिकतम, अधिकतम में कह रहा है अधिकतम एक सतह रंगी हुई हो, मतलब अधिकतम मतलब एक सतह से ज्यादा नहीं रंगी हुई हो सकती, केवल एक सतह ही रंगी हुई हो सकती है अधिकतम। इसमें कहा है 2 सतह रंगी हुई हो, मतलब अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, या अधिकतम कहे तो केवल, तो दो वो कह रहा है अधिकतम कह दे या ज्यादा से ज्यादा कह दे एक ही बात है, तो पहले में ए वाले में कहा है अधिकतम एक सतह रंगी हुई हो, तो हमें वो वाले घन लेने हैं जिसमें एक सतह से ज्यादा नहीं रंगी हुई हो सकती। तो एक सतह में कौन कौन से आते हैं, बिना सतह रंगे हुए घन आ सकते हैं और एक सतह रंगे हुए घन आ सकते हैं, और वो कहे अधिकतम 2 सतह रंगी हुई हो, इसमें कौन कौन से घन आएंगे, इसमें जो घन आएंगे वो बिना सतह रंगे हुए घन आएंगे, एक सतह रंगे हुए घन आएंगे और 2 सतह रंगे हुए घन आएंगे। तो देखो करते हैं, करने का प्रयास करते हैं इसको, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, ए वाले को, ए वाले में कहा है भाई अधिकतम एक सतह रंगी हुई हो अधिकतम, तो अधिकतम एक सतह, अधिकतम एक सतह रंगी हुई हो, एक सतह रंगी हो, तो एक सतह रंगी हुई के लिए कौन कौन से आएंगे भाई, तो देखो बिना सतह रंगे घन आएंगे, बिना सतह रंगे घन और एक सतह रंगे घन, एक सतह रंगे घन ये वाले आएंगे। तो बिना सतह रंगे घन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका n माइनस 2 का होल क्यूब, ये वाले आ जाएंगे, प्लस एक सतह रंगे घन के लिए होता है 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाले आ जाएंगे। तो देखो अब n हम कैसे निकालेंगे, 216 उसने दिए हैं एक घन में, मतलब एक रंगे हुए घन जो है टोटल कितने 216, तो मैं आपको बता चुका हूं n का क्यूब, कुल घन कितने दे रखे हैं उसने 216 दे रखे हैं, ऐसे करके मैं लिख दूं कुल घन जो है उसने कितने दे दिए भाई 216 दे दिए, तो कुल घन के लिए फॉर्मूला n होता है n का क्यूब, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 36 छक्के 216 होते हैं, तो हमारे पास n निकल के आ जाए तो हमसे कुछ भी पूछे बहुत आसानी से बता सकते हैं, अगर हमारे पास n निकल के आ जाए फिर वो हमें कुछ भी पूछे भाई बहुत आसानी से बता सकते हैं, उसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देखो n निकल के आ गई यहाँ से, अब मैं यहाँ पे n का मान लिख दूँ, n आई है 6, 6 में से 2 माइनस ऐसे कर दो, बाकी 6 और जो 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितने बच गए भाई 4 बच गए, 4 का क्यों करूँ 4 16 64 आ जाएंगे, प्लस
यहाँ से कितने बचे गए मैं स्कोर कर लूँ, 6 बचे, यहाँ पे 4 बचे, 4 का स्क्वायर 4 चक 16, और 16 गुणा 6 कितने होते हैं, 16 गुणा 6 16 छक्के 96 96 होते हैं। अब मैं इसको ऐड कर दूँ यहाँ से तो कितने आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 90 और 9 और 6 15 और 116 160 आ जाएंगे। 160 एक बार करो, 6 और 4 10 0 आंसुल को 1 10 और 6 16 160 ऐसे गण होंगे जिनकी अधिकतम क्या होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। 216 घन में से 160 ऐसे गण होंगे जिनकी अधिकतम क्या होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। क्या होगी दोस्तों, एक सतह रंगी हुई होगी। अब देखो ये बात समझ में आ गई, एक सतह रंगे हुए गण। अब मैं दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करूं, बी वाला क्वेश्चन देखूं, दूसरे गण की बात करूं, बी की बात करूं मैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम दो सतह रंगी हुई हो। क्या हो भाई दोस्तों, अधिकतम दो सतह रंगी हुई हो, अधिकतम दो सतह रंगी हो। तो देखो दो सतह रंगी हो उसमें कौन कौन से घन लेने हैं, दो सतह रंगी में हमें लेने भाई बिना सतह रंगे घन, एक तो लेने बिना सतह रंगे घन, सतह रंगे घन, और एक लेने हमें एक सतह रंगे घन, एक सतह रंगे घन, और एक लेने हमें भाई दो सतह रंगे घन, दो सतह रंगे घन, ऐसे करके लेने भाई हमें। ये तीन तरह के घन लेने हैं, अधिकतम दो सतह रंगी हो, मतलब अधिकतम, अब अधिकतम दो सतह से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें से कम कितनी भी सतह हो वो वाले लेने। तो बिना सतह रंगे घन में तो दो से ज्यादा नहीं हो सकते, एक सतह रंगे हुए घन में दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और दो सतह की तो कह ही रहा है कि वो दो सतह रंगे हुए घन लेने। तो देखो बिना सतह रंगे हुए घन के लिए अभी हमने फॉर्मूला जो किया है वो सिक्स, वो क्या कहते हैं, अभी जो एक सतह रंगे हुए घन के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो लिखा है एन माइनस टू का होल स्क्वायर, वो होल क्यूब। फिर उसके बाद एक सतह रंगे हुए घन, एक सतह रंगे हुए घन के लिए 6 एन माइनस टू का स्क्वायर होता है, और दो सतह रंगे हुए घन के लिए 12 और एन माइनस टू होता है, ये होता है ठीक है। अब एन का मान कितना है, एन का मान 6। अब 6 में से मैं डायरेक्ट करता हूँ, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 का क्यू कर देंगे यहाँ ठीक है, 4 का क्यू कर देंगे प्लस 6। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ 6 में से 2 गए 4 बचे, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12। 4 में से 6 में से 2 गए तो 4 बचे ठीक है। अब मैं 4 चौक 16 चौका 64 हो गए, यहाँ पे 4 चौक 16 और 16 छक्के 96 96 हो गए प्लस 12 चौका 48 हो गए। अब इसको ऐड कर दो, ये कितने हो जाएंगे, इन सब को ऐड कर देते हैं, देखो कितने हो गए ये 8 यहाँ से करो 4 और 6 10 और 8 18 हो गए, एक कैरी हो गया, 10 और 4 14 और 6 कितने हो गए, 14 और 6 20 हो गए, तो 208 हो गए। कितने हो गए भाई, 208 ऐसे घन होंगे जिनकी जो है, मतलब 216 में से 208 ऐसे घन होंगे जिनकी अधिकतम जो है क्या होंगी, दो सतह रंगी हुई होंगी अधिकतम। देखो मैंने इतना बड़ा किया है ये क्वेश्चन, मैंने इतना बड़ा किया है, अगर मैं थोड़ा सा माइंड चलाऊं, थोड़ा सा सोचूं, तो इसको बहुत शॉर्ट कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं, तो देखो जो मैंने इसमें घन लिए हैं ना, वो बिना सतह रंगे हुए, एक सतह रंगे हुए, दो सतह रंगे हुए लिए, केवल एक तरह के और घन बचे, वो कौन से बचे, तीन सतह रंगे हुए घन बचे, तीन सतह रंगे हुए घन बचे। तो देखो उसने टोटल जो घन दे रखे हैं वो भाई हमें 216 दे रखे हैं, 216 दे रखे हैं। अब जो है इसमें से जो है, अब अगर मैं 8 और ऐड कर दूं तो ये 216 हो गए, मतलब मैं तीन सतह वाले और ऐड कर दूं तो टोटल 216 हो गए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पे कि ओनली जो मैं तीन सतह वाले घन में यहाँ से हटा दूं, अगर मैं तीन सतह वाले यहाँ से हटा दूं तो बाकी दो सतह वाले, अधिकतम दो सतह वाले रंग निकलाए, दो सतह वाले घन निकलाएंगे, नहीं निकलाएंगे, तो यहाँ से 208 यहाँ से निकलाएंगे। हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से सोचूं
तो मैं इसको यहीं पे आसानी से खत्म कर सकता हूं दो स्टेप में, क्योंकि उसने टोटल घन हमें 216 दे रखे हैं, और अगर मैं तीन सतह वाले में यहां से हटा दूं तो अधिकतम दो सतह वाले रंग यही निकल आएंगे 208, दो सतह वाले घन यही निकल आएंगे 208, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो यहीं से आसानी से कर सकते थे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखता है अधिकतम, और अधिकतम कम से कम इन लैंग्वेज का जो है वो ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आगे चलते हैं उसको क्लियर करते हैं आगे वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखो चौथा क्वेश्चन करने का प्रयास करो आप, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो आप, एक बार करने का प्रयास करो। देखो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को भाई। पूछा गया यूपी ट्रपेसी 2019 में पूछा गया ये आपसे, ये कह रहा है चार सेंटीमीटर के एक ठोस घन से एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है, पूछा जाता, बहुत ही आसान है भाई, कितनी बार काटा जाएगा। देखो पहले, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n निकालते हैं, n जो होती है मैं बता चुका हूं बार बार, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन होती है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब देखो बड़े घन की भुजा क्या दे रखी है भाई, बड़े घन की भुजा मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 दे रखी है, ऐसे करके 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी जो घन की भुजा है, ठीक है, n आ गई। अगर n मेरे पास आ गई तो अब मुझसे वो कुछ भी पूछे बहुत ही आसानी से मैं निकाल सकता हूं। अब मुझे पूछा है घन को कुल कितनी बार काटना होगा, तो घन को कटाई की संख्या पूछिए कितनी बार काटना होगा, कटाई की संख्या। देखो आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था जितनी बार काटना है एन माइनस एक, माइनस वन इसलिए करते हैं क्योंकि जितने टुकड़े होते हैं उससे एक कम बार हम उसे काटते हैं, मल्टीप्लाई तीन का इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी भी घन से अगर क्यू प्राप्त करेंगे तो उसे हमें तीन ओर से काटना होगा तब हमें घन मिलेंगे, तो ऐसे करके तीन करते हैं। तो देखो n का मान कितना आया है, 4 आया है, 4 माइनस 1 गुणा 3 तो कितना बचा, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 तरह का 9 हो गया, हमारा आंसर 9 आ गया। ऑप्शन में दे रखा भाई, बी पे ही दे रखा है हमें 9, तो हमारा आंसर 9 आ गया, बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले n निकालेंगे, n के बाद हमें ये जो फॉर्मूला दे रखा है कटाई की संख्या कितनी बार काटा गया उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई 3, उससे हम निकाल लेंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कर सकता था, बस 4 बटे 1 करता 4 आ गया, और n माइनस 1 मतलब कितना हो गया, n माइनस 1 3 हो गया, कर देते हैं 3 तरह का 9 आ गया, मैं इतना बड़ा यहीं से कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, दिक्कत ना आए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली मेरी बात बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, करने का प्रयास करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, एक बार प्रयास करो करने का, मैं कराता हूं फिर। देखो हाँ भाई ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये आपको पूछा भी गया है हरियाणा एसएससी एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो एक बार मैं पढ़ता हूं इसको, एक बड़ाई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.5 रुपए दिए जाते हैं, इस प्रकार कुल वो 135 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है, तो बताइए उसे कुल कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो उसे बताना है कि बताइए कि उससे कितने
छोटे घन बनाए जा सकते हैं। मतलब हमें उसके इन पैसों से, कहने का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में हमारे पास n का मान आ जाए तो वो हमें कुछ भी पूछे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब हमें इसने जो पैसे दिए हैं इनसे कैसे भी करके हमें n का मान निकालना है। तो देखो वो मैं n का मान कैसे निकाल सकता हूं, यहां पे उसने दिए हैं भाई, देखो एक जो वो कटाई करता है ना, एक भी वो कट लगाता है उसके लिए उसे 7.5 रुपए मिलते हैं। ऐसे करके जो टोटल कट लगाने के बाद उसे जो टोटल मजदूरी मिलती है वो 135 रुपए मिलती है। तो देखो एक कट के लिए उसे एक बार काटने के लिए जो मिलते हैं उसे के लिए 7.5 रुपए मिलते हैं, ठीक है 7.5 रुपए मिलते हैं। उसे कुल जो मजदूरी मिलती है वो मिलती है भाई 135 रुपए। अब यहां से आपको कुछ बात समझ आ रही होगी, अगर मैं 135 में 7.5 से भाग दे दूं तो मुझे कुल कटाई की संख्या निकल आएगी, भाई टोटल रुपए उसे इतने रुपए मिले हैं और एक कट के लिए 7.5 रुपए मिलते हैं। अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूं तो कुल कटाई की संख्या निकल आएगी कि इस बढ़ई ने उसमें कितनी बार कट लगाए, ये चीज निकल आएगी। तो देखो कुल कट, वो कट की संख्या निकलेगी तो मुझे कट निकालने, कुल कटाई की संख्या जो है निकल आएगी अगर मैं 135 रुपए में 7.5 से भाग दे दूं, ठीक है 7.5 से भाग दे दूं। कितनी बार गया ये, गया दोस्तों 18 बार गया। कितनी बार गया 18 बार गया, मतलब उसने 18 कट लगाए। कितने कट लगाए भाई, 18 कट लगाए। तो देखो मैं आगे यहां से करूं तो एक फॉर्मूला होता है, देखो कुल कटाई लिख दो, या कटाई बराबर कितने आ गई 18 आ गई, हम कितनी बार घन को काटते हैं 18 आ गई। तो कुल कटाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, n-1 × 3 बराबर 18 हो गया। कुल कटाई 18 बार आ गई कि ये हमने 18 कट लगाए इसमें, और कटाई के लिए जो फॉर्मूला होता है कितनी बार काटा गया n-1 × 3 होता है। तो देखो n-1 = 18/3 कितना आ गया 6 आ गया, तो n-1 = 6 आ गया, तो n = 7 आ गया, 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो n = 7 आ गया। जब n का मान मेरे पास आ गया तो वो अब मुझसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, अब मुझे क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कि बताइए छोटे छोटे घन बनाए जाए, तो बताइए कि उससे कितने कितने छोटे घन बनाए, एक मजदूर के रूप में प्राप्त होते हैं, बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए, मतलब कितने छोटे घन बनाए, टोटल घन पूछे कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कुल घन के लिए, कुल छोटे घन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों n का क्यू होता है 7 का क्यू 77 × 49 = 343। तो कितना आंसर आ गया मेरा 343 आ गया। मैं 7 का क्यू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 343 आ गया। इसमें दे रखा है मुझे 343। तो ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो, आपने कर लिया होगा। मैंने ये सब आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बाकी मैं यहीं पे निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, एक स्टेप में, एक दो स्टेप में ही निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी, मैं आपको बता चुका हूँ हर क्वेश्चन में हमें जो है एन निकालने का प्रयास करना है कि कैसे भी हम अपनी एन निकाल लें, और अगर हमारे पास एन आ जाएगी तो कैसा भी कुछ भी पूछे सीधा फॉर्मूले में एन का मान रखना है और हमारी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात एकदम समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। देखो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन दे देते हैं तो हम एक लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है वो मुझसे कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है तो बताना है शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी, मध्य घनों की संख्या 12 होगी
और जो है केंद्रीय घरों की संख्या 6 होगी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भाई ये कथन के लिए दिया गया है, हमें जो कंडीशन दी गई है उसके द्वारा ज्ञात करना है कि ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सत्य बात है तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके लिए एन निकालूंगा, मैं बता चुका हूं हर चीज में एन निकालते हैं सबसे पहले। तो यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले तो बड़े घन की भुजा 3 बटे छोटे घन की भुजा 1 = 3 सेंटीमीटर आ गया, एन निकल के आ गई। अब देखो ए वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है वो मुझसे, यदि शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी तो शीर्ष घन तो हमेशा 8 होते हैं, शीर्ष घन क्या होते हैं हमेशा 8 कहते होते हैं, हम लिख सकते हैं भाई 8 होगी, बात सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे की बात करूं क्वेश्चन की, वो कह रहा है मध्य घनों की संख्या 12 होगी। तो देखो मध्य घनों के लिए फॉर्मूला होता है, मध्य घन या दो सतह रंगे हुए घन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2 होता है। तो 12n का मान कितना है भाई, n निकाला है मैंने 3 3-2 तो कितना हो गया 12 × 1 = 12 आ गया ये। तो वो कह रहा है कि भाई मध्य घनों की संख्या 12 होगी तो हम कह सकते हैं बिल्कुल बात सत्य भैया, मध्य घनों की संख्या 12 होगी, हमने अभी निकाला है 12 ही निकल के आई है, ठीक है ये बात सही है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है हमने मध्य घनों की संख्या निकाल ली। अब मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं, केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी। अब मैं देख लेता हूं भाई केंद्रीय घन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, केंद्रीय घन के लिए जो फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, ये वाला होता है। अब देखो 6n कितना है, n मैंने अभी निकाला 3 है, 3-2 होल स्क्वायर तो कितना बचा 6, और ये कितना बचा 1 का स्क्वायर बचा, तो 6 1 का स्क्वायर करेंगे 1 = 6 ही आ गया। तो वो कह रहा है केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी, भाई बिल्कुल बात सही है उसकी, केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी, हमने अभी निकाला 6 निकल के आई है। फिर कह रहा है उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं, हाँ भाई उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं तो हम कह सकते हैं भाई बिल्कुल सत्य है उपरोक्त कथन, हम डी वाला एकदम सही कर देंगे, जो हमने निकाला है तीनों चीजें निकल के आई है तो भाई हम कह सकते हैं उपरोक्त कथन डी जो है एकदम सत्य है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली मेरी बात बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, सारी मैंने भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन आपको कराएं, सिर्फ हमें इसमें एन का मान निकालना होता है, बाकी सारी चीजें निकल आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये आपका जो घन टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक था, ये जो आपके डाइस से रिलेटेड था, घन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घन आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत छोटा टॉपिक है, आप फॉर्मूले याद कर लो, आपके 3-4 क्वेश्चन पक्के हैं, लेखपाल पुलिस और NTPC जो होता है 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC में एकाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।